हे गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं कि अगर हमें रिच बनना है, हमें अमीर बनना है, हमें अपने लाइफ में ज़्यादा पैसा एक्वायर करना है, तो हमें करना क्या चाहिए, कौन से सिंपल स्टेप लेना चाहिए जो एटलीस्ट हमें रिच बने या ना बने, लेकिन हमें उसके इर्द गिर्द जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो भी हमारा गोल है, उसके आसपास पहुँचा दे। कौन सा रास्ता है? देयर इज ऑलवेज अ वे। कुछ भी करना चाहते हो ना, हर एक चीज़ का सोल्यूशन है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, लेकिन पता नहीं इंडिया में कोई इसके बारे में बात क्यों नहीं करता। और ऐसा नहीं है कि लोग जानते नहीं इसके बारे में, सभी जानते हैं, लेकिन पता नहीं कोई इसके बारे में क्यों बात नहीं करता। चलिए छोड़िए ये सब, हम आते हैं टॉपिक पे कि हमें क्या क्या चीज चाहिए और क्या करना चाहिए, क्या क्या सीखना चाहिए कि हम अपने लाइफ में ज्यादा से ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर पाए, हमें कभी पैसे की प्रॉब्लम ना हो, हम कभी किसी से पैसे ना मांगे। वेल्थ क्रिएट करने में आपको तीन चीजें ध्यान देनी है और तीन चीजों को आपको सीखना है। पहला है एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं आपको छोटा मैं बता देता हूँ। एसेट वो चीज होती है जो आपके पॉकेट में पैसे डालते हैं, ओके। ये कोई भी चीज हो सकती है, जॉब, एक बिजनेस, एक आपने एक कार लिया है, उसे रेंट पे चला दिया, वो भी एक एसेट है, उससे पैसे आपको आ रहे हैं, ओके। ध्यान रखो वो चीज़ जो आपके पॉकेट में पैसे डाल रहे हैं, ओके। दूसरा है लियाबिलिटीज। लियाबिलिटीज वो चीज़ होती है जो आपके पॉकेट से पैसे निकालते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपने एक कॉस्टली रेंट पे घर ले लिया, उसको रेंट के आप पैसे दे रहे हो पर मंथ, पैसा आपके जा रहे हैं। आपने एक कॉस्टली कार ले ली जिसको आप पर्सनल यूज के लिए, जिसमें आपका पेट्रोल, मोबिल, टायर चेंजेस, पैसे लग रहे हैं, राइट, और वो आपके पॉकेट से पैसे निकाल रही है। कॉस्टली वॉचेस, ओके, टीवी, ये जितने भी चीज़ है ना, सभी लियाबिलिटीज हैं। तीसरी चीज कैश फ्लो। आपको कैश फ्लो पर ध्यान देना है, कि आपका कैश जो है ना, मान लो आप एक जॉब कर रहे हो, ओके, तो जॉब से आप जो मान लो आपका 30,000 सैलरी है, वो 30,000 रुपये कहाँ जा रहा है आपका, आप क्या बाई कर रहे हो, एसेट्स बाई कर रहे हो कि लियाबिलिटीज बाई कर रहे हो। सिंपल है ना, जो आपके पैसे हैं उससे अगर आप एसेट खरीद रहे हो, तो आपका जो भी सिचुएशन आज है ना, कल थोड़ा अलग होगा। समझ रहे हो आप बात को? जो भी आज सिचुएशन है ना, वो अगर आप एसेट बाई करते रहे लाइफ में, तो आपका थोड़ा सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगा। बिजनेस क्या है? एक एसेट है। अगर आप बिजनेस करते हो, ओके, तो आपको उससे पैसे आते हैं, तो यू शुड फोकस ऑन एसेट्स, नॉट ऑन लियाबिलिटीज, दैट्स इट। और ये जो तीन वर्ड्स है ना, आप अपने पर्सनल लाइफ में, आप एक कंपनी स्टार्ट कर रहे हो उसमें, हर एक जगह इस्तेमाल कर सकते हो। और होता है, देयर इज नो अदर वे, आपको कुछ भी करना है ना लाइफ में, इन तीनों को लेकर चलना है साथ में। अगर आप हेल्थ पे फोकस हो, तो एसेट कंसीडर कर लो कि वो चीज जो हेल्दी फूड है, वर्कआउट है, ये सब एसेट हो गए। लियाबिलिटीज क्या होती है? लियाबिलिटीज जैसे कि हम फास्ट फूड एक दिन खाया, वो लियाबिलिटीज मैंने कंज्यूम किया, ऐसे कंसीडर करो। तो ये एसेट्स और लियाबिलिटीज ऐसी टर्म्स है जो आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो, ओके। तो आपकी कोई भी जर्नी में ये एसेट्स और लियाबिलिटीज एंड कैश फ्लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जिसको आपको डिटेल में समझना चाहिए। अगर आपको जानना है कि एसेट्स, लियाबिलिटीज क्या होती है, कैश फ्लो क्या होती है, तो मैंने इस पे डिटेल में वीडियोस बनाई है और आई आइकन में डाल दूंगा आपको, आप देख सकते हैं, ओके। और इन तीनों चीज को अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करो, दिमाग में डाल दो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पता नहीं क्यों लोग बात नहीं करते हैं इस पे, लेकिन टू गेट रिच, टू गेट टू डू एनीथिंग मैन, यू नीड टू फोकस ऑन दिस थ्री थिंग्स, ओके। हर एक कंपनी में कैश फ्लो होते हैं, एसेट होते हैं, लियाबिलिटीज होते हैं, आपके पर्सनल लाइफ में भी इसे इस्तेमाल कर सकते हो, ओके। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और देखते रहिए लर्न टू इन्वेस्ट इंडिया, क्योंकि हम आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लाते हैं ग्राउंड लेवल से, ओके। जो मैं करूँगा वो बताऊँगा, फेल होऊंगा फेल बताऊँगा, पास होऊंगा पास बताऊँगा, क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हो सकता है आप मेरे फेल्यूअर से कुछ सीख सकें, ओके। और बस यही है, सी यू।